तो स्टडी विथ कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज है 13 दिसंबर 2021। 13 दिसंबर 2021 की जितनी सारी कंटेंट बनने वाली है हम लोग उस पर ए टू जेड डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। साथ ही मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कब करेंगे? आप लोग याद कीजिएगा, वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कब करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 13 दिसंबर को। मार्च 2018 में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब इसका शुभारंभ 13 दिसंबर को होने वाला है और पीएम मोदी करेंगे इसका शुभारंभ। जी हाँ, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, चीन में भारत के राजदूत का कार्यकाल फिलहाल ही खत्म हुआ है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विक्रम मिश्री। जी हाँ, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और इन्होंने 8 जनवरी 2019 को अपना पदभार संभाला था और इससे पहले जो है कि गौतम बम्बा वाले थे चीन के राजदूत। तीसरा प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन में भाग लिया? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैन्य अभ्यास इक्वेरिन में भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाए ए मालदीव। इसका सही आंसर ए मालदीव हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, इक्वेरिन के 11वें संस्करण में, इक्वेरिन के 11वें संस्करण में मालदीव के, देखिए मालदीव के कडप्पू द्वीप में, मालदीव के कडप्पू द्वीप में आयोजित हुआ था सैन्य अभ्यास। अब चौथा प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता हैं इसके नए अध्यक्ष और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट में सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, सॉरी आमंत्रित किया गया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल आइडिया, इसको हम लोग बोलते हैं। और किसे आमंत्रित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुनील अरोरा। जी हाँ, सुनील अरोरा कौन है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा थे, है ना। अब आप लोग छठा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। और आप लोग इसे भी याद रखिएगा, सी इज अ चेंज मेकर जो है कि प्रोग्राम किसके द्वारा आयोजित हुआ था? तो यह है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गया। अब ये देखिए, दामोदर मौजो कौन थे? वो है कोंकणी उपन्यासकार थे दामोदर मौजो। जी हाँ, और ये 57वां पुरस्कार विजेता है। अब 56वां कौन है? तो 56वां है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर। जी हाँ, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नवा प्रश्न है, किस टेनिस टीम ने मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? मैड्रिड में डेविस कप टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? मैड्रिड में, आप लोग इसे याद रखिएगा। दसवां प्रश्न है,
उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूलकिट की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसने अमेजन वेब सर्विस के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम। जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए आज का सवाल है, किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड मोबाइल ऐप प्राइड CRMD मॉड्यूल लॉन्च किया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में।